योग की चर्चा करते हैं। कुष्ठ योग किस योगों में होता है? तो कह रहे हैं कि लग्नादिपो कुज बुधो चंद्रेण यदि संयुतौ राहुणा शशिना सार्धम कुष्ठम तत्र विनिर्दिशेत। कह रहे हैं लग्नाधिपो, लग्न का स्वामी है, लग्नाधिपो लग्न का स्वामी, कुज बुधौ चंद्रमा और बुध से, चंद्रमा और बुध, लग्नाधिपो मंगल या बुध लग्नेश यदि हो, लग्नाधिपो कुज बुधौ, लग्ना बुधौ कुज बुधौ, लग्ना लग्नाधिप कौन हो, मंगल और बुध हो, कोले लग्नाधिपो कौन हो, मंगल और बुध हो, और चंद्रेण यदि संयुतौ, चंद्रमा से यदि जो है युति करें, यदि चंद्रमा से युति करें, है ना, अर्थात इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि मंगल या बुध लग्नेश हो करके चंद्र राहु और शनि से, क्योंकि यहाँ कह आगे कह देते हैं कि राहुणा शशिना सार्धम, चंद्रेण सा चंद्र के साथ तो हो, लेकिन साथ में जो है तो राहु और शनि भी हो, शनिना राहु और शनिना सार्धम कुष्ठम तत्र विनिर्देशेत। तो अब इसको जो है सीधे सीधे हम समझ लेते हैं, सीधे सीधे भाषा में समझिए कि लग्न का स्वामी यदि बुध मंगल हो, ठीक, और वो चंद्रमा राहु शनि के साथ कहीं भी बैठे तो जो है कुष्ठ रोग देंगे। चंद्रमा शनि के साथ, हाँ जी, चंद्रमा शनि राहु तीनों के साथ कहीं भी बैठे तो कुष्ठ रोग देंगे। कुष्ठ रोग कई प्रकार के होते हैं, चमड़ी सफेद हो जाती है, चमड़ी गलती रहती है, पानी निकलता रहता है ना, इस तरह। हाँ, लग्नाधिपम बिना लगने, लग्नाधिपम बिना लगने स्थितश्चेत् तमसः शशि श्वेत कुष्ठम तदा कृष्ण कुष्ठम च शशिना शनिना सा, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि लग्नेश, लग्नाधिपम बिना लग्ने, लग्नेश लग्न में नहीं हो, चंद्रमा यदि लग्न में राहु के साथ स्थित हो, चंद्रमा लग्न में यदि राहु के साथ स्थित हो, ठीक, तदा श्वेत कुष्ठम, तदा श्वेत कुष्ठम, उस समय जो है श्वेत कुष्ठ होगा, ठीक। और कह रहे शनिनाशा, और यदि शनि के साथ में हो चंद्रमा, यदि शनि के साथ में चंद्रमा हो तो कृष्ण कुष्ठम तदा भवेत, उस समय जो है कृष्ण कुष्ठ होगा, काला कुष्ठ होगा, काले काले धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है। कुजेन रक्त कुष्ठम स्यात्, और यदि जो है चंद्रमा मंगल के साथ में होगा तो क्या होगा, रक्त कुष्ठ होगा, लाल लाल धब्बे पड़ेंगे, पानी निकलता रहेगा, गलता सा रहेगा, ठीक है। हाँ, तदा रक्त कुष्ठम भवेत, उस समय जो है तो रक्त कुष्ठ होगा। ये रक्त कुष्ठ की योग